लोकसभा के चुनाव अब काफी दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के फॉर्मूले को लेकर जहां विपक्ष सोच में डूबा है और अपने घोड़े दौड़ाने की जुगत में लग गया है, तो वहीं इस बीच हरियाणा बीजेपी दिल्ली में टिकट मंथन कर रही है। ऐसे में दिल्ली के हरियाणा भवन में प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सुधा यादव, सुभाष बराला, प्रदेश अध्यक्ष नायाब सैनी, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश भाजपा महामंत्री मोहन लाल बडौली मौजूद रहे। बैठक को लेकर बीजेपी नेता सुभाष बराला ने जानकारी दी। नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्षता में बैठक हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उपस्थित थे, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी उपस्थित थे, सह प्रभारी सुरेंद्र जी नागर उपस्थित थे और चुनाव समिति के सब लोग उसमें उपस्थित थे। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में है, अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है। तो वहीं बीजेपी नेत्री सुधा यादव ने भी बैठक को लेकर जानकारी दी है और बताया कि बैठक में लोकसभा के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है। सुधा यादव जी हमारे साथ हैं। मैम, एक अहम बैठक हुई है, किस तरह का मंथन टिकटों के उम्मीदवारों को लेकर हुआ है? स्वाभाविक है कि जो 10 की 10 सीटों के ऊपर चुनावी रणनीति बनाना और चुनाव के उम्मीदवारों के ऊपर चर्चा करना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत आज की बैठक थी। मैम, एक लगातार संशय है कि अलायंस में चुनाव होगा या बिना अलायंस के बीजेपी जज भी होगा, क्या इसको देखकर भी कोई चर्चा हुई है? नहीं, ये अलायंस और नॉन अलायंस की बात केंद्रीय चुनाव समिति करती है। हरियाणा का काम है 10 की 10 सीटों के ऊपर तैयारी करना और अलायंस के ऊपर चर्चा केंद्र में जब जाएंगे तब पता चलेगा कि सभी 10 सीटों पर चर्चा हुई है। हमें तो 10 पे ही तैयारी करनी है, भले ही हम अलायंस में जाएं या नॉन अलायंस में जाएं, 10 की 10 सीटें जीत करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो चाहे सीट किसी के भी पास हो, इसलिए तैयारी। एक लोकसभा सीट से कितने नामों का पैनल तैयार किया गया है? अलग अलग सीट पर अलग अलग पैनल है। अंदाजा कितने? कोई अंदाजा मतलब कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, अलग अलग पैनल। क्या देखा गया है, क्या किस तरीके से, क्या योग्यता रखी गई है उम्मीदवारों में? बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर ये तय किया गया है। सिटिंग सांसदों की चर्चा हुई है कि? सिटिंग सांसदों की चर्चा सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व करेगा, राज्य नहीं करता है। लोकसभा के चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा लक्ष्य पार्टी के दिग्गजों समेत हर कार्यकर्ता को दिया है, जिसके आधार पर ही पार्टी लगातार मंथन कर रही है कि आखिर किस लोकसभा से किसे टिकट दिया जाए, क्योंकि एक भी सीट पर हरियाणा बीजेपी किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। इस बीच अब मंथन का दौर जारी है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी एक साथ ही चुनावों में दमखम दिखाएगी या फिर चुनावों से पहले रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।